हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइड्रा की। तो जो हाइड्रा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग स्पीशीज के द्वारा जो दुनिया के लगभग सभी कोनों में देखने मिलते हैं। जो कुछ कॉमन है उनकी बात करते हैं। आता है हाइड्रा वल्गरिस जो होता है ऑरेंज रेड इन कलर। देन कम्स हाइड्रा फस्का विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेलमेटो हाइड्रा, इट इज ब्राउन इन कलर। लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रा विरिडिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा, इट इज ग्रीन इन कलर। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक ग्रीन आल्गी कॉल्ड जूक्लेरुला इन द एंडोडर्मल सेल्स। हाइड्रा इज द मोस्ट कॉमनेस्ट पॉलिप नोन टू अस। पॉलिप का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा सरफेस के साथ में जुड़ा होता हो। लीवेनहॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द हाइड्रा। ही डिस्क्राइब्ड इट टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन टू इलस्ट्रेट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाजोआ, बट इट वॉज ट्रैम्बली हु आइडेंटिफाइड द एनिमल नेचर ऑफ हाइड्रा। र्यूमर जो थे इन्होंने इसको बोला था पॉलिप, एंड जो एक्चुअल नेम था हाइड्रा इट वॉज प्रपोज्ड बाय लीनियस। लीनियस ने हाइड्रा को नाम दिया, क्यों, क्योंकि इसके पास था पावर ऑफ रीजनरेशन। तो बच्चों ये हमने क्या देखी, कुछ हिस्ट्री देखी हाइड्रा की, कैसे इसका नाम पड़ा। अब समझते हैं इसकी सिस्टमिक पोजीशन। तो यहां पर हम लोग फाइलम पढ़ेंगे, क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं फाइलम। फाइलम है इसका सिलेंट्रेटा, क्लास है इसकी हाइड्रोजोआ, जो ऑर्डर है इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोइडा, और सब ऑर्डर को कहा जाएगा एंथोमेड्यूजा। जीनस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है जीनस इसका, हाइड्रा है। ठीक है, यहां पर हमने समझी इसकी सिस्टमिक पोजीशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रा के हैबिटेट की और उसके हैबिट की। तो हाइड्रा जो है वो बेसिकली फाइंड किए जाते हैं कहां पर, इट इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर, पॉन्ड, पूल्स, लेक, स्ट्रीम्स और डिचेस में। यूजुअली ये जो होते हैं दे रिमेन अटैच टू द सबमर्ज वेजिटेशन और विथ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। मतलब ये किसी न किसी चीज के साथ में आपको जुड़े हुए, चिपके हुए देखने मिलेंगे, सरफेस के ऊपर देखने मिलेंगे, है ना। जब इसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है, उस समय इसकी जो बॉडी है वो एक्सटेंड करती है अपने टेंटिकल्स को ताकि वो ज्यादा फैल सके, है ना। हमें देखने मिलते हैं एक्सपांशंस और कॉन्ट्रैक्शंस, और इसका कोई रीजन नहीं होता, ये ऐसे ही एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करते रहते। यूजुअली जो हाइड्रा है वो एक कार्निवोरस है। ये क्या खाता है, इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट लार्वा एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस। जनरली ये लोग सॉलिटरी लाइफ जीते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, और ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं इट कुड बी आइदर सेक्सुअल और इट कुड बी एसेक्सुअल। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कलेक्शन एंड कल्चर ऑफ हाइड्रा फॉर लेबोरेटरी पर्पस। हाइड्रा कैन बी कलेक्टेड इन द विंटर सीजन फ्रॉम फ्रेश वाटर लेक्स और पॉन्ड्स। इफ वी कलेक्ट अ जार ऑफ वाटर विथ हाइड्रा प्लांट्स एंड पुट इट अनडिस्टर्ब फॉर डे और टू, वी मे नोटिस नंबर ऑफ हाइड्रा अटैच आइडर टू द वॉल ऑफ जार और लीव्स ऑफ हाइड्रेला प्लांट। दिस मे बी एक्सामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप बाय पुटिंग देम ऑन द ग्लास स्लाइड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। फॉर मेकिंग द कल्चर इन द लेबोरेटरी द सेम मे बी ट्रांसफर्ड इन टू द एक्वेरियम एंड अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड मस्ट बी सप्लाइड ऑन डेली बेसिस। इट्स फूड जनरली कंसिस्ट ऑफ डेफनिया विच आर रेडिली अवेलेबल इन द स्टैगनेंट वाटर। बाय बडिंग देयर नंबर इंक्रीजेस वेरी सून इन द एक्वेरियम। Now, we will try to understand the external structure of Hydra. First, let us discuss about the shape and size of Hydra. Usually, Hydra जो होते हैं वो polyploid cylindrata हैं, जिनके पास cylindrical body होती है, है ना? They can be easily visible to naked eyes, अगर ये पूरी तरीके से extended है केवल तब। इनका जो लेंथ होता है इट कुड बी फ्रॉम 20 मिलीमीटर। और ये जो डिफरेंस है साइज में वो क्यों आया, क्योंकि इनके पास बहुत एक्सेप्शनल कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। आगे मैं बात करता हूँ बॉडी फॉर्म की। जो हाइड्रा है उसकी बॉडी है ट्यूबुलर फॉर्म की, मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ये सेसाइल है ना, और इसके जो प्रॉक्सिमल एंड पे आप देखोगे, नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा बेसल डिस्क, या फिर आप उसे कह सकते हो पेडल डिस्क भी, है ना। इसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। जो ग्लैंड सेल्स होंगी वो दो चीज़ें बनाएंगी,
एक तो ये सिक्रीट करेंगे ऐसे सब्सटेंस जो होगा एडहेसिव, और दूसरा ये प्रोड्यूस करेंगे गैस बबल। एडहेसिव सरफेस के साथ चिपकने में मदद करेगा और गैस बबल फ्लोट करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्टल एंड की, जो ऊपर का हिस्सा खाली है वहां पर हमको एक कॉनिकल एलिवेशन देखने मिलता है जिसे कहा जाता है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के ऊपर के तरफ आपको क्या देखने मिल रहा है, आपको देखने मिल रहा है माउथ। देखिए जो माउथ है वो कनेक्ट कर रहा है किसके साथ में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ में। बॉडी अंदर से खोखली है ना, तो वहां पर हमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है सिलेंट्रेटा की, है ना। सो क्या हो रहा है, माउथ ओपन्स इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आगे मुझे क्या देखने मिल रहा है, मुझे देखने मिल रहा है जो हाइपोस्टोम है उसके आसपास काफी सारे मतलब पतले पतले रेशे जैसे देखने मिलते हैं जिन्हें मैं बोलता हूँ टेंटेकल्स। ये होते हैं 6 से 10। टेंटेकल्स आर कनेक्टेड टू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बाय द प्रोसेसेस एंड दिस प्रोसेस कंटेन्स नेमेटोसिस्ट। यहाँ पे हमें नेमेटोसिस्ट देखने मिलता है, ये बहुत काम का है, ठीक है। टेंटेकल्स जो होते हैं ये जब एक्सटेंडेड रहेंगे उसका मतलब क्या है कि हमारा जो हाइड्रा है वो या तो खाना खाने की तैयारी में या मूवमेंट करने की तैयारी में। एट द प्रॉक्सिमल एंड्स हमें देखने मिलते हैं बर्ड्स। अगर बर्ड पूरी तरीके से मैच्योर हैं तो मैं क्या देखूंगा, इनके पास खुद का माउथ होगा, टेंटेकल्स होंगे, इसके अलावा हाइपोस्टोम भी रहेगा, एंड वंस इट हैज मैच्योर फुली वो निकल जाएगा, बॉडी छोड़ देगा, ठीक है। हमें देखने मिलेगा गोनस भी होते हैं। अब गोनस आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है अपने पास में क्या, टेस्टिस, और दूसरे होते हैं ओवरी। टेस्टिस आपको देखने मिलेंगे कौन से एंड्स पर, वो देखने मिलेंगे ओरल एंड पे, ओवरी देखने मिलती है प्रॉक्सिमल एंड पे। टेस्टिस यूजुअली कॉनिकल होते हैं और ओवरी जो है वो ओवल होती है। सो दैट इज इट गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ दैट इज द केस, प्लीज हिट द लाइक शेयर एंड